ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हमारे इन सेशंस में, जिसमें कि हम कुंती महारानी के जीवन में होने वाली कई घटनाओं को डिस्कस कर रहे हैं और उससे कुछ लर्निंग कुछ सीख ले रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन में उसको उतार पाए। तो हम चलते हैं आगे। हमने सुना था किस प्रकार एक चक्रा में भीम ने उस राक्षस से मदद करी लाक्षाग्रह के बाद, जब ये लोग छुपते छुपाते गांव में पहुंचे थे। अभी तक इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया था, किसी को मालूम नहीं था कि पांडव बच गए हैं या मर गए। अक्सर लोग सभी ये सोचते थे कि पांडव समाप्त हो गए। तो ये घटना आती है कि द्रौपदी के स्वयंवर की, तो पांचाल नरेश के, नरेश जिनका नाम है द्रुपद, तो वो अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर करना चाहते थे। द्रुपद एक्चुअली ओरिजिनली अर्जुन से द्रौपदी का विवाह करना चाहते थे, लेकिन जब ये समाचार मिला कि पांडव समाप्त हो गए, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं स्वयंवर करता हूँ और योग्य पति उनको मिलेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वयंवर का स्थापना किया और उस स्वयंवर में अनेक देशों के राजा को बुलाया, बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े वीर पराक्रमी क्षत्रियों को और बाकियों को वहां पर बुलाया गया। तो इस बीच में क्या होता है कि एक अचक्रा जहां पर पांडव रह रहे थे, वहां पर एक ब्राह्मण आता है पांचाल नगर से किसी काम से, और आकर जब वहां मिलता है पांडवों के घर में पहुंचता है, और पांडव जो उस ब्राह्मण का आदर सत्कार करते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। तो बातों बातों में ब्राह्मण सारी बात बताता है कि मैं पांचाल से आ रहा हूँ, द्रुपद राजा जो है अपनी पुत्री का विवाह करने वाले हैं स्वयंवर में, और इस प्रकार से अनेक देश के राजा वहां पहुंचे हुए हैं, और ये कह के वो वहां से चला जाता है। लेकिन बाद में पांडवों के पास वेद व्यास आते हैं। वेद व्यास तो आप जानते ही, भगवान के अवतार हैं, सब जानते हैं। तो वेद व्यास उनको जाके ये आदेश देते हैं कि आप जाइए और वहां पर आप स्वयंवर में पार्टिसिपेट कीजिए। द्रौपदी ने पिछले जन्म में भगवान शिव की पूजा करी और शिव ने प्रसन्न होकर उनको उनकी इच्छा को पूरी करने का वरदान दिया था। उनकी इच्छा थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से शादी कर पाऊं। तो इस तरह से कुछ हुआ कि जो भी उन्होंने गुण मांगे थे वो किसी एक व्यक्ति के अंदर पॉसिबल नहीं थे। तो फिर कुछ इस तरह से हुआ कि 5 सर्वश्रेष्ठ पति आपको प्राप्त होंगे, जिनमें ये सारे गुण मिलेंगे जो गुणों को आप देख रही हैं। तो वेद व्यास ने सारी घटना बताई और बोला कि आप सब लोग वहां पर जाइए, आप योग्य हैं और वहां पर स्वयंवर में पार्टिसिपेट कीजिए। अब पांडवों ने वेद व्यास की ऐसी गुरु भक्ति, हम सीखते हैं पांडव तो बड़े अच्छे फॉलोअर्स थे ही, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम तो मतलब एक तरह से छुपे हुए हैं, अचानक से ऐसे कैसे सामने आ जाए या जो भी है। तो तुरंत उस स्वयंवर में पार्टिसिपेट होने के चले गए। अब जब स्वयंवर में पहुंचे तो स्वयंवर में जो कंडीशन थी वो बड़ी विचित्र थी उसको जीतने की। वो ये थी कि ऊपर समझ लीजिए छत पर एक सोने की मछली घूम रही है किसी एक यंत्र के साथ। एक यंत्र है जो उसको ऐसे 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 घुमा रहा है उस मछली को, और नीचे एक जल का पात्र रखा है जिसमें वो मछली घूमती हुई दिख रही है। इस प्रकार से घूम ऊपर रही है। अब आपको नीचे देख के ऊपर बाण मारना है और घूमती हुई मछली को भेदना है। तो ये शर्त रखिएगा, और ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही मुश्किल शर्त थी वास्तव में। तो दूर दूर से पराक्रमी राजा आए थे, जैसे सारे कौरव आए थे, दुर्योधन मिला के, और जरासंध, शिशुपाल, कृष्ण बलराम भी वहां पर आए थे क्या हो रहा है सबको देखने के लिए। तो इस प्रकार से जो स्वयंवर का जो कार्यक्रम चालू हुआ और द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ स्वयंवर में आ गई। अब एक एक करके सारे राजकुमार आए, लेकिन सब फेल होते गए। दुर्योधन फेल हो गए, शिशुपाल फेल हो गए, जरासंध फेल हो गए। अब कर्ण जो कि महान धनुर्धर थे, उन्होंने धनुष बाण जैसे ही पकड़ा, तभी द्रौपदी ने बोला ये तो सुत पुत्र है, इससे विवाह नहीं करूंगी, और वो शर्मिंदा के उन्होंने अपना धनुष बाण रख लिया। और तब वहां पर ब्राह्मणों का भेष धारण किए हुए अर्जुन सामने आए। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और धनुष को साधा, एकाग्रचित होकर उन्होंने ध्यान लगाया, और जब धनुष तोड़ा तो उसने मछली की आंख को भेद दिया। और सारे लोग एकदम से आश्चर्यचकित रह गए कि ब्राह्मण ने ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन विरोध नहीं कर पाए इमीडिएटली उस वक्त ना, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर रोष जो है पैदा होता गया, और अचानक से उन दोनों ने, सब लोगों ने विद्रोह कर दिया और अटैक कर दिया कि ये देखिए कि ब्राह्मण जो है लेके जा रहा है जिसमें हम हार गए। लेकिन सारे पांडव जो है बलशाली तो थे ही, उन सारे पांडवों ने उनके ऊपर अटैक शुरू कर दिया और युद्ध की स्थिति आ गई। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं वहां पे कृष्ण थे और समझ गए थे कि यही 5 पांडव ही हैं ये जो बैठे हैं, तो उन्होंने किसी तरह से मामले को थामा
और 5 पांडव तुरंत वहां से द्रौपदी को लेकर निकल गए। अब जब वो कुंती महारानी के पास पहुंचे तो बोले कि माँ हम आपके लिए भिक्षा लाए। अब कुंती महारानी का चरित्र देखिए, वो कहती है अच्छा आप इसको बराबर में बांट लीजिए। तो ये वचन थे जो कि माँ ने दिए थे, माँ जानती नहीं थी। बाद में जब पुत्रवधु को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन उसके वचन को सत्य रखने के लिए कुंती ने और पांचों पांडव ने अल्टीमेटली फिर ये डिसाइड हुआ जॉइंटली कि ये पांचों से इसका विवाह किया जाएगा। हालांकि आप जानते ही हैं कि ये पिछले जन्म से हुए उस घटना से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज मिलती है कि कुंती महारानी किस प्रकार से सबसे बराबर प्रेम करती थी और किस प्रकार से वो भाई कितने कमिटेड थे कि उन्होंने उसकी बात को जस्ट जनरली वरना तो ऐसे बोलते अच्छा माता जी आपको पता थोड़ी था, हम आपने सोचा होगा कि हम रोटी लाए हैं, लेकिन उसकी बात को रखने के लिए जनरली ये बड़ा मुश्किल है। पर हम कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिए, क्या कि गुरु ने जो बोला है उसको चित्त में रखना ही चाहिए, चाहे कैजुअली भी क्यों नहीं बोल दिया है, हमें उसको पूरा करने का प्रयास करना ही चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से हुआ और द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न पीछे पीछे चला आ रहा था छुप छुप के, क्योंकि कोई जानता नहीं था कि लोग कहाँ से आए हैं। अब शादी करी है अपनी बेटी की, तो उन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ रहते हैं, अपने पिताजी को जानकारी दी, पिताजी ने उनको इन्वाइट किया भोजन पर और तब सारी बात खुली कि ये तो पांडव हैं। और ये बात सुनकर पांचाल नरेश द्रुपद का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो उन्होंने द्रौपदी का विवाह किया और विवाह भी द्रुपद ने भी उसी तरह से किया जैसा कि अग्री हुआ था कि पांचों पांडव से भव्य रूप से यह विवाह संपन्न हुआ। और ये विवाह संपन्न होने पर सारी तरफ ये समाचार फैल गया कि पांडव जीवित हैं। ये खबर विदुर जी को पहुंची, विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने धृतराष्ट्र और भीष्मदेव को सुनाया, भीष्मदेव तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन पांडवों कौरवों की तरफ थोड़ा सा ईर्ष्या आ गई, दुर्योधन और ज्यादा ईर्ष्या करने लगा क्योंकि यहाँ पर वो प्रत्यक्ष रूप से हार गया, द्रौपदी को भी हार गया, युद्ध में भी हार गया और वो और योजनाएं बनाने लगा। तो देखते हैं आगे कौन कौन सी योजनाएं बनती हैं। और समय आने पर इसके बाद पांडवों को वापस बुलाया गया राज्य में और उन्हें खांडव प्रस्थ दिया गया। लेकिन उसके बाद में अगर हम समरी में पूरा घटना को बताएं तो उसके बाद में दुर्योधन ने चाल चल के दुर्त क्रीड़िया जुआ में पांडवों को इन्वॉल्व किया और शकुनी मामा के साथ मिलकर पांडवों को हराया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और बाद में पांडव अज्ञातवास में और वनवास में गए और इस प्रकार से वो 13 साल तक बाहर रहे और उसके बाद में वापस आके शांति प्रस्ताव रखते हुए कुछ जमीन मांगी गई लेकिन दुर्योधन ने मांगने से मना किया, फिर युद्ध हुआ और सारे कौरव माने गए। तो ये लंबी घटनाएं हुई जिसकी चर्चा हम करेंगे कभी बाद में। यहाँ पर कुंती महारानी के चरित्र से रिलेटेड चर्चा हो रही है तो हम ये बताना चाहते थे जब सारे कौरव मारे गए उसके बाद में कुंती महारानी ने गांधारी और धृतराज की खूब सेवा करी, जबकि वो अब रानी थी एक तरह से देखा जाए, उनके साथ गलत ही हुआ था, बचपन से लेकर अब बड़े होने तक उनके साथ गलत व्यवहार ही किया गया और उन्होंने एक धार्मिक रूप से राज्य को वापस लिया क्षत्रियों की तरह लड़के ना कि कोई चाल चल के। लेकिन फिर भी हम देखते हैं उनके चरित्र से कि उन्होंने गांधारी और धृतराज की खूब सेवा करी और समय आने पर जब विदुर ने धृतराज को जगाया कि तुम क्यों यहाँ पर कुत्तों की तरह रोटी खा रहे हो, इट्स टाइम टू गो टू द रिटायरमेंट। और वो जब वन में गए धृतराज और गांधारी, उस वक्त कुंती महारानी उनके साथ उनकी सेवा करने गई। ये अद्भुत चरित्र है, इस प्रकार से अपने जेठ और जेठानी की सेवा का फैसला करना, उनके साथ वन में जाना, चटाई में सोना, कंदमूल खाना, ये एक अद्भुत चरित्र है। तो कुंती महारानी त्याग बलिदान पवित्रता का अद्भुत चरित्र है। तो ये एक असाधारण घटना हुई और उसके बाद कुंती महारानी ने तप के द्वारा भगवान के धाम में प्रस्थान किया। अब हम उनके जीवन से उनके चरित्र से कुछ सीख हैं, ये तो कुछ घटनाएं थी, चरित्र से हमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलती हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। कृष्णा, तो कुंती महारानी का जीवन बचपन से ही हम देखते हैं कष्ट में बीतता है, जैसे कि वो बचपन में ही अपने पिता को छोड़ के कुंती भोज को पिता के कहने पर पिता एक्सेप्ट कर लेती है जो कि अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। फिर उनकी शादी होती है, उनका उनके पति को श्राप मिल जाता है जिसके कारण वो कभी उनके साथ संग नहीं कर पाती हैं। उसके बाद वो अपने बड़े बच्चे को उन्हें त्यागना पड़ता है, फिर उनके जो बच्चे होते हैं फिर उनको देवताओं से आशीर्वाद मिलता है जिसमें से कि दो दो बार दो दो वरदान एक तरह से कह लीजिए वो अपनी छोटी जो उनकी पांडु की जो दूसरी पत्नी होती हैं उसको दे देती हैं कि आप इससे दो पुत्र मांग लीजिए, त्याग की भावना। उसके बाद वो जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही सताया जाता है क्योंकि पांडु की मृत्यु हो जाती है
और उन्हें उनके साथ कई तरह के षड्यंत्र करे जाते हैं, उनको मारने के षड्यंत्र किए जाते हैं, उनको कोई राज्य नहीं दिया जाता है। बचपन से कई बार विष देना हो, लाक्षाग्रह हो इत्यादि, इतने कष्ट झेलने के बाद उनको फिर वो एक तरह से छुपके रहते हैं लाक्षाग्रह के बाद। उसके बाद में द्रुत क्रिया में उनका हारना, बहू पे अत्याचार होना, फिर वनवास, अज्ञातवास, और ये सब होते हुए भी थ्रू आउट द लाइफ उनका जो है फेथ जो है भगवान से कभी हिलता नहीं है। इतना होने के बाद भी उनके जीवन में इतना इतना बड़ा युद्ध होता है, और युद्ध के बाद जब भगवान जा रहे होते हैं तब भी वो ये कहती हैं कि भगवान आप मत जाइए, इससे बेहतर है कि मेरे जीवन में ये परेशानियां चलती रहें, क्योंकि हमेशा से आपने हमारा साथ दिया। तो साथ भी क्या दिया, मतलब परेशानियां दूर नहीं हुई, लेकिन आप साथ में रहे, तो परेशानियों के साथ साथ भगवान भी रहे, तो उनको भगवान को मांग लेती हैं चाहे ये परेशानियां एज इट इज चलती रहें। तो जो फेमस प्रेयर है कुंती महारानी की शिक्षाएं, जिसको श्रील प्रभुपाद ने एक पुस्तक के रूप में भी निकाला, हम उसकी चर्चा तो नहीं करेंगे क्योंकि अपने आप में पूरा बहुत बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन उनका सबसे प्रमुख श्लोक जो श्रील प्रभुपाद बोलते थे वो यही कि किस प्रकार से हम भक्त को कैसे सोचना चाहिए, कष्टों में भी वो यही सोचना चाहिए कि कष्ट होते हैं तो आपने देखा होगा हमारी चैंटिंग की क्वालिटी बढ़ जाती है, और कष्ट नहीं होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अहंकार होने लगता है कि मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया अच्छे से। तो कष्ट इसलिए वो मांगती थी, बहुत मुश्किल है, हमने आज तक इतनी प्रेयर करी है, मुझे नहीं लगता हमें से किसी ने ऐसी प्रेयर करी होगी कि मेरे जीवन में कष्ट आए, ये तो करी होंगी कि ये कष्ट चला जाए भक्ति में आने के बाद भी। तो कुंती महारानी उस लेवल की भक्ति जिनके जीवन में ऑलरेडी इतने कष्ट थे, वो कहती है कष्ट रहेंगे तो कृष्ण भी रहेंगे। और इसी प्रेयर के अंत में, वो ये कहती है कि मेरा ध्यान आपकी तरह उस आपकी तरफ उसी तरह रहे जैसे नदी का एकमात्र फोकस होता है समुद्र में मिल जाना, बीच में कई सारे मोड़ आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, पथरीली जगह, प्लेन जगह, लेकिन नदी कंटिन्यूसली बहती है जब तक कि वो समुद्र में ना मिल जाए। तो कहती है मेरा ध्यान आपके प्रति ऐसा ही बना रहे एकाग्रचित, और मेरा कहीं भी ध्यान बटे ना इधर उधर, परिवार में, संबंध में, इतना वो बोलती हैं, और उनके चरित्र से भी दिखता है ये सारा, कैसे वो अपने बच्चों को और हर चीज को भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहती थी। और आपने देखा समय आने पर कुंती महारानी किस प्रकार से धृतराष्ट्र गांधारी की सेवा करी, जो कि एक तरह से आजकल के समाज के हिसाब से तो दुश्मन कहेंगे, दुश्मन, उनकी भी सेवा करी और अल्टीमेटली भगवान के धाम को प्राप्त किया समय आने पर। तो ऐसा चरित्र हमें यही सिखाता है, एक पतिव्रता स्त्री तो दिखाता ही है जो कि अपने पति से एकदम लॉयल थी और उसकी सेवा करी, उसके बच्चों की परवरिश करी उनके जाने के बाद भी। और उसके अलावा हमने मुख्य रूप से देखा कि कैसे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आने पर भी एक भक्त विचलित नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो इतनी भक्ति करी तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे ही कर्मों का फल है, लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं भगवान के धाम में जाकर वहां पर उनकी सेवा करने की, तो इसलिए भक्त विचलित नहीं होता। जैसे कुंती महारानी की शिक्षा के जीवन चरित्र से हमने देखा कैसे बच्चों में सद्भावना पैदा की जाए, आपस में उनका मेल और शेयरिंग नेचर पैदा किया है, हमने ये भी देखा उनको बचपन से ही कैसे बच्चों के अंदर भी यही भाव था, सारे पांडव भी इसी भाव के थे, वो भी कृष्ण से बड़ा अटैच थे और शुरू से लेकर अंत तक और उनकी बात मानते थे, और जब भगवान संसार से चले गए तो पांडवों ने भी सोचा क्या करेंगे इस राज्य का, ऐसा ही परिवार बनाने का हर माँ को कोशिश करना चाहिए जैसे कुंती महारानी ने पांडवों की परवरिश करी। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी वैदिक वैष्णवी के बारे में हम सुनते रहेंगे और सीखते रहेंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।